फिर यूट्यूब उसको प्रमोट भी नहीं करता, उसको रिकमेंड भी नहीं करता, उसके जो चैनल के इम्प्रेशन है वो आगे भी नहीं भेजता। आपकी वीडियो देख कर आया है, जो आपकी बात को सुनना चाहता है, जिसने आपका फैन है, उसने आपको सब्सक्राइब किया है, एंड तक आपके साथ रहते हैं और आपकी स्टोरी में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, यानी आपको फॉलो करते रहते हैं और आपको दिखते रहते हैं, और इसी तरह फिर आपके 8 से 8, 8 से 8 इसी तरह आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं। और इंशाल्लाह आपके भी 1000 सब्सक्राइबर हों, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, लाखों में सब्सक्राइबर हों। इस वीडियो में आपको बाकायदा बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए, पूरा डिटेल बताऊँगी, एक भी सेकेंड मिस मत करना। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी और आपको ट्रैफिक को सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी वो मैंने खुद सीखे हैं और इसी तरीके से मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर, शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आप भी वो पॉइंट सीख सकें। तो दोस्तों मुझे कितना टाइम लगा यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर करने में, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो दोस्तों मैंने मार्च 2020 में अपनी पहली वीडियो डाली थी और फरवरी 2021 में जाकर मेरा चैनल हो गया था मोनेटाइज। 11 महीने और फिर 1 महीना मुझे मोनेटाइजेशन मिल गया था, तो हम मान के चलते हैं कि 8 साल लगा था मुझे पूरा अपने 1000 सब्सक्राइबर करने में, जो कि मैंने शुरुआत में मेहनत करी, क्या किया क्या नहीं किया पूरा आपको बताती। मतलब ये नहीं है कि आपको भी 8 साल लगेगा, आप उससे भी पहले कर लेंगे, क्योंकि आप सीख जाएंगे। जो गलतियाँ मैंने करी हैं अगर आप उनको नहीं करते तो आप 8 साल से पहले ही अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों क्या हुआ, जब भी मैंने चैनल शुरू किया बहुत ज़्यादा खुशी में आ गई और मैंने क्या किया कि बस मैंने सोचा अब तो मुझे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे और भाई मैं तो छा जाऊँगी यूट्यूब पर। और मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई और सबके साथ शेयर कर दी और दोस्तों कुछ लोगों ने मुझे मुरव्वतन सब्सक्राइब भी कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ गए, लेकिन जब मैंने वीडियोस और डालना शुरू करी तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी नहीं, क्योंकि वो मेरी वीडियो में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, तो मेरे व्यूज़ नहीं आए। तो दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर तो मुझे ऐसे मिले शुरुआत में। उसके बाद हुआ क्या, तो दोस्तों जब भी कोई बंदा यूट्यूब पर आता है ना तो उसको बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, बस किसी तरह से कुछ भी करना पड़े, मेरे 8000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे मेरे पूरे हो जाएँ, बस मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। आपकी भी यही कंडीशन होगी, यही सिचुएशन होगी, जिस तरह मैं सोचती थी इसी तरह आप लोग भी सोचते होंगे और मेरी बात से पूरा रिलेट कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग इसी चक्कर में रहते हैं, बस सब्सक्राइबर होना है। यूट्यूब पर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई हमसे सब्सक्राइबर परचेज कर लो, क्योंकि वो सेल कर देते, उनका तो फ़ायदा हो जाता लेकिन मेरा नुकसान हो जाता। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने परचेज़ नहीं किए, फिर मैंने कहाँ से सब्सक्राइबर किए पूरा आपको बताती हूँ। काफ़ी हिम्मत मिलेगी, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी आपको। दोस्तों मैं इसी तरह यूट्यूब पर लगी रही और मैं सीखती रही, मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं कि यूट्यूब सीखना नहीं छोड़ा, मैंने यूट्यूब पे सीखती रहती थी। फिर क्या करती थी कि मैंने देखा कि कोई बंदा मुझे बता रहा है कि यूट्यूब पर अगर हम टाइटल जो है ना वो सर्चेबल लगाते हैं ना, यानी जो लोग सर्च करते हैं तो वहाँ से भी सब्सक्राइबर आते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया, सर्चिंग जो टाइटल है वो अपनी वीडियो में लगाया, तो वहाँ से मुझे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर मिले। तो दोस्तों पहले तो मैंने क्या किया, नंबर वन पे कि मैंने फेक सब्सक्राइबर किए, यानी लोगों से रिक्वेस्ट करवा के किया। दूसरे नंबर पर मैंने ये टाइटल वाला इस्तेमाल किया और सर्च से मैं थोड़े बहुत रिजल्ट लेकर आई अपनी वीडियो में। और तीसरे नंबर पे दोस्तों मुझे कुछ जेन्युइन सब्सक्राइबर मिले कि जिनको मेरी वीडियो पसंद आई, जिन्होंने मुझे फॉलो किया, मुझे सब्सक्राइब किया। जो कुछ लोग मुझे लाजमी कमेंट करते हैं, चाहे मेरा चैनल डेड भी हो जाए ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं, आप मेरी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लें, उसमें कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होगी कि जिस पर कोई अच्छा कमेंट ना आया हो। तो दोस्तों मुझे हमेशा कमेंट आता है कभी ना कभी, और कुछ लोग ये मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि भाई मुझे कमेंट ज़रूर आ जाता है और उससे मुझे हौसला मिल जाता है। चाहे दो लोग दिख रहे हैं लेकिन वो मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे अच्छा बोल रहे हैं, यानी मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ बात तो है, तो मुझे वहाँ से भी हिम्मत मिलती रहती थी। दोस्तों इस तरह से मेरे कुछ जेन्युइन सब्सक्राइबर भी हुए जो मेरे वाकई में मुझे देखना चाहते थे, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मैंने सब्सक्राइबर ख़रीदे तो नहीं, लेकिन दोस्तों मुझे जुनून था आगे बढ़ने का, कुछ करना है। तो दोस्तों मैंने कुछ यूट्यूबर्स का इंटरव्यू किया अपने चैनल पर। अब क्या हुआ, लोगों ने उनकी वजह से मुझे सब्सक्राइब किया, मेरी वजह से नहीं किया, जो बात सच है। आपको एक एक बात हकीकत बताऊंगी, और ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी बड़े यूट्यूबर का इंटरव्यू कर लें तो हमारा चैनल बहुत ज़्यादा उड़ जाएगा और हवा में आ जाएगा और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। तो वक्ती तौर पे मुझे उनकी वजह से कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर मिले। तो दोस्तों ऐसा हुआ, तो फिर क्या हुआ, मेरे फिर भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए। फिर इसी तरह मैं लगी रही। अब इस दौरान हो क्या रहा था, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रही थी और बहुत ज़्यादा ना मैं टूट रही थी कि भाई यूट्यूब तो मेरे बस की बात नहीं है। और फिर कुछ नेगेटिव कमेंट भी आना शुरू हुए, तो मैंने सोचा भाई क्या अब करूँ। अब यहाँ आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, क्योंकि घर वालों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि
भाई एक महीना हुआ, दो महीने हुए, तीन महीने हुए, छः महीने हो गया, आठ महीने हो गए और साल ही हो गया, भाई तुम कोई और काम कर लो, कुछ सीख लो, कुछ समझ लो, कुछ पैसे कमा लो। तुम YouTube पे लगी हो, YouTube पे तुम्हारा कुछ हो ही नहीं रहा, ना तुम्हारे पास कुछ आ रहा है ना जा रहा है, उल्टा तुम हर टाइम वीडियोस बनाती रहती हो, फिर तुम चुप करवाती रहती हो, मतलब क्या तुम YouTube पे क्या लगी रहोगी, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो उसको। तो दोस्तों मैंने काफ़ी बातें सुनी, आप लोग भी सुनते होंगे। तो फिर दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि ना मैं YouTube पर ग्रो कर सकती हूँ, मैं YouTube पर आगे जा सकती हूँ। तो दोस्तों फिर मैं YouTube पर वीडियोस अपलोड करती रही, और दोस्तों इसी वजह से जब मैंने अपना काम नहीं छोड़ा ना, तो इसी वजह से मेरे कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर डेली के थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हुए, कभी दो, कभी तीन, कभी चार। और पहले मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेती थी, लेकिन अब मैं हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ कि भाई जितने भी बढ़ने, तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें अपनी वीडियोस में दिखाती भी रहूँगी, ताकि आपको हिम्मत मिलती रहे, मोटिवेशन मिलती रहे। उस टाइम जब घर वालों का प्रेशर आ रहा था, तो भाई मैंने भी सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग तो करनी पड़ेगी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट करनी है, अपना खर्चा भी चलाना है, क्योंकि मेरी वालदा का इंतकाल तो काफ़ी पहले ही हो गया था। फिर मेरे वालिद साहब भी बिस्तर पर आ गए थे और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, तो घर की सिचुएशन हो गई थी ख़राब। अब बहन भाई से पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मैं कहती थी कि मैं अपने दम पे कुछ करूँ, अपने दम पे कुछ बड़ा करके दिखाऊं, एटलीस्ट अपना खर्चा तो खुद उठाऊं। तो दोस्तों मेरी स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है, यानी अगर आप पूरी ओवरऑल स्टोरी सुने मेरी, तो आपको बस एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आपने अपना काम नहीं छोड़ना, आपने लगे रहना है, चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं काम, लेकिन आप ईमानदारी से करेंगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे। यानी जब मैंने यूट्यूबर्स का इंटरव्यू किया और मुझे कुछ सब्सक्राइबर मिले, लेकिन मुझे वो इतने सब्सक्राइबर तो नहीं मिले जो मुझे बार बार मिलते रहे, बार बार मिलते रहे। तो अगर मैं ईमानदारी के साथ अपने बलबूते पे, अपने दम पे अपना काम नहीं करती रहूँगी, अपना काम को छोड़ दूँगी, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ईमानदारी के साथ और अल्लाह पे यकीन रखते हुए और अपना काम करती रहूँगी, तभी कामयाबी मिलेगी ना। और YouTube पर कामयाबी तभी मिलती है, YouTube भी उसी को कामयाबी देता है जो काम करता रहता है, और जो काम करना छोड़ देता है, फिर YouTube उसको प्रमोट भी नहीं करता, उसको रिकमेंड भी नहीं करता, उसके जो चैनल के इंप्रेशन है वो आगे भी नहीं भेजता। तो दोस्तों हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमें फल मिलेगा, तो जितनी ज़्यादा वीडियोस बनाओगे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। इन द एंड मैंने सीखा अपनी सारी गलतियों से और सबको सीखा कि भाई मैं कहीं से भी सब्सक्राइबर ले लूँ ना, मैं लोगों का बोल बोल के उनसे सब्सक्राइब भी करवा लूँ, लेकिन वो होते हैं फेक सब्सक्राइबर, वो रियल सब्सक्राइबर नहीं होते, वो हमारे चैनल को कर देते हैं डेड और उनका फिर फ़ायदा नहीं होता। असल सब्सक्राइबर वही है जो आपकी वीडियो देखकर आया है, जो आपकी बात को सुनना चाहता है, जिसने आपका फ़ैन है, उसने आपको सब्सक्राइब किया है। तो अगर ऐसे लोग आपके चैनल के साथ जुड़ते हैं ना, वो एंड तक आपके साथ रहते हैं और आपकी स्टोरी में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, यानी आपको फॉलो करते रहते हैं और आपको दिखते रहते हैं, और इसी तरह फिर आपके 8 से 8, 8 से 8, इसी तरह आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी गलतियों से, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, और इंशाल्लाह आपके भी 1000 सब्सक्राइबर हों, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, लाखों में सब्सक्राइबर हों। मेरी दुआएं आप सबके साथ हमेशा रहती हैं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।